लेकिन ये मनुष्य जन्म मिलने के बाद ये हमारा मन विषय भोगों में लगा हुआ है। केवल ये एक योनि है, मनुष्य योनि, जिसको पाकर हम इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन ये हमारा मन मानता नहीं। वह माया के जंजालों में फंसा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस नाम की महिमा बताई है, देखिए कहा है क्या क्या। तुलसी तुलसी इस नाम को भजकर एक डाकू महात्मा हो सकता है। यह नाम कल्प वृक्ष के समान है, इसके लेने मात्र से हम इस भवरूपी सागर से पार हो सकते हैं, लेकिन यह मन विषय भोगों में लगा हुआ है। तो कहना ये मन क्यों बहकार बहकार मेला देखा हो इस जहान को, इस संसार रूपी सागर में आकर इस माया रूपी दुनिया का जब तूने मेला देखा तो तेरा मन विषय भोगों में लग गया। भगवान ने तुझे कितनी सांसें दी हैं तुझे पता नहीं है। उस एहसान को तू भूल गया, उस सृष्टि रचाने वाले उस ईश्वर को तू भूल गया। तो कहना रे मन क्यों बहका रे बहका भूला राम को, मेला देखा रे देखा इस जहान को, वो जिसने बख्शी ये सांसें उस एहसान को, वो जिसने सृष्टि हो जिसने सृष्टि रचाई उस भगवान को, क्या मन क्यों बहका रे बहका भूल राम को, मेला देखा रे देखा इस जहां सांसें हमें मिलती है। उन सांसों का हमें कैसे प्रयोग करना है, लेकिन ये मनुष्य देखिए इस तन को पाकर इसे भोगों में लगा हुआ है। चौरासी लाख योनियों में केवल श्रेष्ठ योनि ये मनुष्य योनि है। इसको भोग के साथ योग भी किया जा सकता है।
लेकिन तू बार बार वही पीड़ा वही यातना भोगना चाहता है, तुझे पता नहीं है। याद कैसे भूला चोरा मेला देखा देखा तूने मन को निर्गुण वही सगुण है। एक नाम तो यार है, ओ एक नाम को तन मन से भज कर देखो क्या होगा। अर पार हो जाएगा, हो जाएगा, पार हो जाएगा, पार हो जीव ईश्वर कान से भजना निष्काम, भजना निष्काम तू भी पगले क्या होगा क्या। अरे राम हो जाएगा, राम हो जाएगा, राम हो जाएगा, राम हो जाएगा, राम हो जाएगा। उस नाम को सुप्रस कर दे जिसको घटने मात्र से इस भव रूपी सागर से पार हो सकते हैं, तो देखिए क्या कहना है। अरे सांसों की माला, अरे सांसों की माला मैं भज सीतला, यही नाम पगले है मुक्ति दाधा। समझ जाएगा तेरा जीवन तमाम, यही नाम पगले मुक्ति का धाम। आज सांसों की माला में ये नाम लगले मुक्ति का धाम।
अरे राम भजो राम।